एक दिन होवे तो लंघ जांदा सारी उम्र गुजारा कौन करे दुनिया तो किनारा हो सकता है प्रीतम तो किनारा कौन करे तेरे जिहा मैनू होर ना कोई मेरे जहे लख तैनू जे मेरे हो जे मेरे विच ऐब ना हुंदे तां तू बख्शिंदा की अज चेते आउंदे ने मिठे बोल फकीरा तेरे अज चेते आउंदे ने मिठे बोल फकीरा तेरे अज चेते आउंदे ने मिठे बोल फकीरा तेरे अज चेते आउंदे ने बोल फकीरा तेरे अज चेते आउंदे ने मिठे बोल फकीरा तेरे अज चेते आउंदे ने मिठे बोल फकीरा तेरे अज चेते आउंदे ने बोल फकीरा तेरे अज चेते आउंदे ने मिठे बोल फकीरा तेरे अज चेते आउंदे ने बोल फकीरा तेरे अज चेते आउंदे ने मिठे बोल फकीरा तेरे अज चेते आउंदे ने मिठे बोल फकीरा तेरे अज चेते आउंदे ने मिठे बोल फकीरा तेरे रब्बी रंग विच रत्तियां दे मिलदे नहीं दुनिया नाल चेहरे रब्बी रंग विच रत्तियां दे मिलदे नहीं दुनिया नाल चेहरे आवाज खोलो भाई मिलदे नहीं दुनिया नाल चेहरे रब्बी रंग विच रत्तियां दे मिलदे नहीं दुनिया नाल चेहरे रब्बी रंग विच रत्तियां दे मिलदे नहीं दुनिया नाल चेहरे रब्बी रंग विच रत्तियां दे नहीं दुनिया नाल चेहरे हो केड़ा तेरा दे केड़ा तेरा देश जिथे जाके तू बसें केड़ा तेरा देश जिथे जाके तू बसें केड़ा तेरा देश जिथे जाके तू बसें सारे बोले आगे केड़ा तेरा देश जिथे जाके तू बसें केड़ा तेरा देश जिथे जाके तू बसें केड़ा तेरा जिथे जाके तू बसे जिथे जाके तू बसे जाके तू बसे जिथे जाके तू बसे जाके तू बसे जिथे जाके तू बसे जाके तू बसे केड़ा तेरा दे केड़ा तेरा दे जिथे जाके तू बसया केड़ा तेरा दे जिथे जाके तू बसया केड़ा तेरा दे
सत रहने ने साधी जी रहने ने मोलिया जग सारा 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 साधी जी रहनी ने मोलिया जग सारा साधी जी रहनी ने मोलिया जग वाहे गुरु धन वाहे गुरु वाहे गुरु धन वाहे गुरु बेनती है सारी संगत दे चरणा च जिन्ने शरीर जिन्नियां रूहां बैठियां ने सब दे चरणा च बेनती सारे हाजरियां लवाओ इनू हैलो हैलो वाली को ना दे और वाव दो गुरु हो जे देनी होगी वाहे गुरु धन वाहे गुरु 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 ऐसे रोग ला गया उमरां ऐसे रोग ला उमरां ऐसे रोग ला गया 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 उमरां ना आ पाया ना पैगाम आया ना मौत आई ना आराम आया आ पाया न पैगाम आया रोग ला गया उमरां ऐसे रोग ला गया जिंदड़ी ना आ पाया न पैगाम आया मौत आई न आराम आया ऐसे रोग ला गया उमरां ऐसा रोग ला गया उमरां ओ ऐसा रोग ला गया उमरां ऐसा रोग ला गया ਇਹ ਪੰਜ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਿਆ ਪੰਜ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਿਆ ਇਹ ਪੰਜ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਿਆ ਪੰਜ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਿਆ ਇਹ ਪੰਜ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਿਆ ਪੰਜ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਿਆ 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 ਇਹ ਪੰਜ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਿਆ ਪੰਜ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਿਆ ਇਹ ਪੰਜ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਿਆ ਪੰਜ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਿਆ ਇਹ ਪੰਜ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਿਆ ਪੰਜ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਿਆ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਔਰ ਨਵਾਜੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਸਨਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਦੀ ਪੂਰਨ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਗਜਵਾਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੁਹਰਾਓ ਕੋਈ ਰਸਨਾਵਾਜ ਜੀ ਨਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ
मन बिरतियां एकाग्र करके मन हाजिर करके अमृत वेले तो आप जी ने जड़न का जतन किया है। उन्हां हठियां जपियां तपियां उन्हां शहीदां उन्हां मरीदां दे प्यार विच उन्हां दे विराग विच जुड़न का सारी संगत ने जतन किया है। सरसंग जी कुरबान जाइए बलिहार जाइए जिन्हां सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी के चरणां लाई ते ला के नभा के विखाई। जदों किसी शहीद दे शहीदी दिहाड़े ते आईए जदों किसी महापुरश की याद में आईए जदों अपने प्यारे दे विराग में बैठीए उदों फिर सानू ये अरदास महाराज साहब के चरणों करनी चाहिए। सतगुरु तुसी तां नभा उन्हां दी नभाती ते साडी नभा देना जिदा उन्हां दी निभगी साडी भी निभ जाए। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी के चरणों में भावना बना के जिहड़ा सिख हुंदा है सिखी उहदी केसां सुवासां सिंह महाराज नवाउंदे ने। शहीद धन बाबा राम सिंह जी जिन्हां ने ऐसी शहीदी दित्ती वो शहीदी रंग लैके आई सरकारां दे मूँह मुड़े ते अज उहनां दे प्यार विच उहनां दे विराग विच तुसीं सारे सज के बैठे। सरसंग जी असी भावें किसी महापुरश की बरसी ते जाइए भावें किसी महापुरश की याद विच जाइए भावें कथा सुनीए भावें कीर्तन सुनीए पता तो फसल जिनी मर्जी वड्डी होवे पता तो झाड़ तो लगता भी झाड़ किन्ना भावें आप सवेर दे बैठे हाँ भावें हुण आए हाँ भावें कल दे बैठे हाँ गुरमुखो जेड़ा पहरा महापुरश देगे जेड़ी जेड़ी बंदगी वह करगे जेड़ा भजन वह करगे असी अपने वल वेखना भी असी उन्हां वल वेख के कदों करन लगांगे। ते चेते रखियो इबादतां करन वाले भजन करन वाले सिमरन करन वाले इस शहीदी दे जाम इबादतां करन वाले शहादतां देंदे रहे ने जिस बंदे कोल क्योंकि इत्थे तां समझाया ही यही कुछ जांदा है। जदों गुरसिख महाराज साहब दे चरणां चुंदा है इत्थे तो सब तो पहला गल ही यह सिखाई जाती जो तो प्रेम खेलन का चाओ सिर धर तली गली जे आना है तो सिर तली ते धर के आई ये भी चेते रखियो जो चढ़दी कला वाले पंज प्यारे अमृत छकाउंदे ने ना ये गुरु नानक दे घर का असूल है। चढ़दी कला दे पंज प्यारे जदों अमृत छकाउंदे ने तुहाडे जो जिन्हां ने छकिया उन्हां नूं सब नूं पता है जदों ऐ अमृत भलाखी जाके ऐ अरदास करदा है ना बेनती भी मैं अमृत छकना है तां पंज प्यारे अमृत छकाउण तों पहलां ये बातां बोलदे ने भाई गुरमुखा अभ्यासी आ भलाखी आ तू अमृत छकण वास्ते आया जदों तो अमृत छक लिया ये सिर तेरा नहीं गुरु का हो जाएगा ये कहिंदे ने पंज प्यारे अमृत छक लिया सिर तेरा नहीं गुरु का हो जाएगा ते लोड पैण ते सिख कौम च वरत्या भी जा सकता है जे सौदा प्रवान है तो आ जा नहीं भाई गुरमुखो बाहर चले जाओ। फिर अमृत भलाखी कहिंदा जी मैं मेरा तन भी गुरु का मन भी गुरु का धन भी गुरु का फिर खंडे की पहल दिती जाती। सतसंग जी ये धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी का पंथ खालसा जिदा दुनियावी यूनीवर्सिटियां च पढ़ाई करन वास्ते स्कूलां कॉलेजां च जाईदा है ना इत्थे भी ये गुरु गोबिंद सिंह दा स्कूल है। कलगी वालिया तेरे स्कूल अंदर पढ़न वालियां दी लगदी फीस कोई ना जद मैं स्कूल अंदर प्रवेश होया पढ़न वालियां दे तड़ां ते सीस कोई ना। सार संगत इत्थे मुरीद बनाया जांदा है इसे करके कही दा है माई नी माई मैनू कलगी तर दे पढ़न स्कूले पा दे माए नी माए मैनू कलगी तर दे पढ़न स्कूले पा दे माए नी माए मैनू कलगी तर दे पढ़न स्कूले पा दे आवाज खोलो भाई माए नी माए मैनू कलगी तर दे पढ़न
पारे सिर दे के जिथे मिलदा दाखला उथे ना लिखवा दे मायनी माय मैनू कलगी धर दे पढ़न स्कूले पा दे मायनी माय मैनू कलगी धर दे पढ़न स्कूले पा दे मायनी माय मैनू कलगी धर दे मायनी माय मैनू कलगी धर दे पढ़न स्कूले पा दे मायनी माय मैनू कलगी धर दे पढ़न स्कूले पा दे इथे मुरीद बनाया जांदा है इथे गुरु नानक दे प्यारे बनाया जांदा है इथे तां सब तो पहला आखे ही यही गल जांदी जो तो प्रेम खेलन का चाहो सतसंग जी पहला मरण कबूल जीवन की छाडा फिर आई इथे ता जिन्हों प्रवान हुंदा फिर वह सौदा करते ने आके इत ये सच्चा सौदा है सतसंग जी मरीद होण वो जेड़े गुरु गोबिंद सिंह महाराज जिन्होंने लाई तुसी वेखो प्यार है ना जेड़ा प्रेम ढाई अखर प्रेम दे ने जिंदी जिंदगी वेच गुरु प्रति प्यार आ गया जिंदी जिंदगी वेच गुरु प्रति प्रेम आ गया चेते रखियो महाराज फिर अगो इन्ना क प्यार करते ने जिंदे नाल साडा प्रेम ना होवे जिंदे नाल साडा प्यार ना होवे भावें अगला साडे सामने बैठा मरी जले सानू की अही असी पानी नहीं पुछते अगले नू रस्ते च कई बार गड्डी का किसी का एक्सीडेंट हो जाए आप कहने कोई नहीं यार ये तो रोज ही होंगे ने लंघ चलो जिंदे नाल प्रेम होवे प्यार होवे आप जान वारण तक जाने प्यार का सौदा है ना सतसंग जी बिना प्रेम तो कोई अपनी उंगली ते टक नहीं लवा सकता कई बार मैं सोचता हुन्ना कलगी कलगी धर सचे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज तुसी किन्ना प्यार कीता होएगा अपने सिखां नूं गुरु गोबिंद सिंह महाराज सोच के वेखो तुसी सतसंग जिंदे नाल प्रेम ना होवे उंदे तो तां जान वार नहीं दूर की गल पानी की घुट नहीं पुछदे ते जेड़ा सानू अगों प्यार करता है उंदे लई कुरबान हुन्ने आ ओ गुरमुखो धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज के आशक ही सी भाई मनी सिंह होनी बाबा दीप सिंह होनी सिख इतिहास विच ऐसा गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने प्यार किया अपने सिखां नूं भाई मनी सिंह जी नूं कैसा गुरु गोबिंद सिंह ने प्यार किया होएगा कलगीधर पिछे बंद बंद कटवा गए हो जलाद आए जदों आया ना भाई मनी सिंह जी नूं शहीद करन वास्ते उन्हें ऐ हाथ फड़िया हाथ फड़ के ऐ जदों वार करन लगा ना टाकुए नाल भाई मनी सिंह जी ने जलाद दा हाथ फड़ लिया कहिंदे आ की करन लगा कहिंदा जी बंद बंद कट्टण दा हुक्म है कट्टण लग्या तुहानू भाई मनी सिंह जी कहिंदे गल सुन तेनू तेरे मालक दा हुक्म है बंद बंद कट्टण दा तू वार करन लगा गुट कोल ओ जलादा बंद गुट तो नहीं बंद तो पोटे तो शुरू हुंदा है आखो सतनाम श्री वाहे गुरु बंद तो पोटे तो शुरू हुंदा है तू गुट ते वार करदा है गुट ते वार ना कर मेरा पोटा पोटा कट दे जलाद हैरान रह गया कहना बाबा मैं तो समझे भी छेती जान निकलेगी वड्डा वड्डा करके वड्डा ये ना परवाह कर वो गुरु गोबिंद सिंह दे आशक ही सी सारे गुरु गोबिंद सिंह उन्हां नूं प्यार करदे सी महाराज सतसंग जी सिख इतिहास विच जिथे किते तुहानू सुवेक सिंह सहबाज सिंह चरखड़ी ते चढ़िया दिसदा है किते भाई तारू सिंह दी खोपरी लैंदी विखदी है बाबा बंदा सिंह बहादुर दे पुत्र दा दिल कट के उहदे छोटे जे पुत्र दे मूंह विच पाया जांदा है सिख इतिहास दी तवारीख विच किते वी तुहानू इह नहीं पढ़न नूं मिलेगा किसे सिख नूं तसीहा देण लगे हुण ओह कहे मैं डर गया मैं डोल गया मैं सिखी छड़न लग्या जाना तो वार गए पर डोले नहीं वह मरीद सी असी अपने अल वेखीए असी मरीद असी हाँ उन्हां चों सारी सारी जिंदगी होगी गुरुद्वारे आउंदिआं नूं सारी सारी जिंदगी होगी कई बार मैं सोचता हुन्ना वेख के तरस भी आउंदा रोज ही हुण सारे पंजाब च ही घूम के हरे पासे दीवान लाईदा कई आके कहणगे बाबा जी 10 साल हो गए गुरुद्वारे जांदिआं नूं मन जा ही नहीं टिकदा 15 साल हो गए मन एकाग्र ही नहीं होया
मैं तो फिर कहिंदा हुन भी गुरमुखो जेड़ा बंदा दस साल गुरु की हजूरी जाके बहिंदा रहा कथा सुनदा रहा कीर्तन सुनदा रहा समा भी दस साल का हो गया जे दस साल बाद भी मन नहीं टिकता अजे भी मन फुरने लैंदा है तो गुरुद्वारे आके करदे की रहे जे फिर इत्थे करदे की रहे आप बड़े फिरदे ने कृष्ण जी की मूर्ति की पूजा करदे मिलदा नहीं कृष्ण जी नूं बिदर वर्गा जेड़ा अलूणा साग खवावे बड़े फिरदे ने राम जी की मूर्ति की पूजा करदे मिलदा नहीं राम नूं पीलणी वर्गा जेड़ा जूठे बेर खवावे देगा असी भी बड़िया चुकी फिरने संगत जी मिलदा नहीं गुरु नानक नूं लालो वर्गा जेड़ा कोधरे का प्रशादा छकावे अज भी वेखदे होणगे मेरा लालो है इन्हां च मेरा मरदाना है असी कित्थे महाराज दे मुरीद पढ़े हो प्यार नाल सारे अपने मन दे मुरीद असी सारे गुरां दा मुरीद कोई ना अपने मन दे मुरीद असी सारे गुरां दा मुरीद कोई ना अपने मन दे मुरीद असी सारे गुरां दा मुरीद कोई ना अपने मन दे मुरीद असी सारे गुरां दा मुरीद कोई ना मुरीद बनना बड़ा औखा है उदा दा अपने वर्गे बड़ा सिख कहंदे साडा तन भी गुरु दा मन भी गुरु दा धन भी गुरु दा जे गुरु गोबिंद सिंह महाराज अज आके कह देण ना किते भी कलगीधर महाराज भी आओ चलीए मेरे नाल जाना है आप पता कि साडे तां बच्चे ने असीं तां मझां चौणियां साडे तां कम बड़े ने महाराज जी फिर आ जाणगे असीं उहनां चों आ असीं मुरीद नहीं अजे बणे मुरीद सी बाबा वीर सिंह बाबा तीर सिंह वर्गियां फौजां ओह सी मुरीद जदों महाराज उत्थे दमदमा साहब की धरती ते डल्ला बहुत गल्लां करी जावे कहिंदा महाराज कलगीधर जी नूं कहिंदा है कहिंदा किहो जिहे मर्जी बड़े सिंह चुकी फिरदे हो तुसीं ना जान ना प्राण महाराज चमकौर की जंग विच तुहाडे चार साहबजादे शहीद हो गए मैनू बड़ा दुख है जी कहिंदा महाराज कही डल्या कोई गल नहीं अकाल पुरख की फौज सी चली गई मारे कोई नहीं ना महाराज ऐ ही बोली जाए जे मैं हुंदा तुहाडे साहबजादे शहीद नहीं सी होण देणे महाराज मैं ना सी कुछ भी महाराज कहिंदे तेरे कोल इहो जिहा की तू क्यों नहीं सी शहीद होण देणे कहिंदा वेखो तो सही इन्नी सेना इन्ने फौजी इन्ने जरनैल तनखाहां देना महाराज कहिंदे अच्छा कहिंदा एक बारी याद तो कर दे मैनू फिर वेख दे एक भी शहीद नहीं सी होण देना ना तुहाडे पुत्र शहीद होंदे ना सिंह शहीद होंदे आ किहो जिहे सिंह चुकी फिरदे हो नाल करिया ही कुछ नहीं इन्होंने सतसंग जी महाराज कहिंदे ये गल नहीं डल्या जिन्हां तू मर्जी वड़े दसदा है जिन्हां नूं तू कहिंदा भी इहनां करिया कुछ नहीं वो मेरे पिछे जाना तली ते तरी फिरदे ने वाह वाह ओ सिंह ने एक सिख होने नूं रफड़ लैके आ गया कलगीधर महाराज नूं कहिंदे महाराज जी आ रफड़ लियांदी है परख के वेखो हां भला परख के वेखो ये निशाना वधिया लाउंदी कोल खड़ा डल्ला गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहिंदे बड़ियां गल्लां मारदा सैं सिंह नहीं शहीद होण देने सी आए नहीं सी होण देना कहिंदे रफड़ लिया है सिख चला के वेखणी है एवें रौंद नहीं कढ देना इहनूं किसे बंदे ते चला के वेखांगे किसे बंदे ते चलावांगे कलगीधर गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहिंदे डल्या तू कहिंदा सी ना भी मेरे कोल बड़ी सेना बड़ी फौज जा ऐ कर अपनी अपनी सेना च एक फौजी नूं आवाज मार जा बुला के लिया आपदे जरनैल उन्हें कहा भी महाराज ने परख करनी आके सामने खड़े कोई कहना महाराज मैं गया तो आया गल ही कोई नहीं चलिया गया डल्ला जाके अपने सिपाहियों नूं कहिंदा है गुरु गोबिंद सिंह महाराज को एक रफल आई है उन्होंने चला के वेखनी है अपनी सेना चो कहिंदा है एक दी लोड़ एक जना आवे कोई परख करनी महाराज ने आओ कोई कौन आवे उथे
वो कहिंदे डलिया तेरे नाल जरूर हां, किते जंग युद्ध होवे मरांगे लड़ांगे, पर जे तू कहिंदे न्याई मौते मर जाइए ये नहीं सौदा प्रमाण सानू। तरले लैंदा फिरदा डल्ला, तुहाडे बच्चे मैं पाल लूं, तुहाडे बच्चियां नू माया दे दूं, कोई भी नहीं खड़ता, कोई भी नहीं आया। कहिंदे डल्लिया महाराज ने परखी करनी, आप खड़ जा अगे, हुण आप भी मरण तो डरदा। जदों वापस आया ना कलगीधर गुरु गोबिंद सिंह महाराज कोल, महाराज गुरु गोबिंद सिंह जी कोल वापस आया, गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहिंदे डल्लिया कल्ला ही तुरिया आउणा, तैनूं क्या सी सिपाही लिया कोई अपना। हाथ जोड़ के नीवी पा के कहना, मारे मनाए बड़े पर कोई नहीं मने, मेरा तो एक भी नहीं आया। मारे कहने तू तो कहना सी मैं साहबजादे शहीद नहीं सी होने देने, ये उत्थे जंग लड़ लंदे, तेरा कोई नहीं मनिया ना महाराज। कहिंदे जिन्हां नूं तू मर जीवड़े दसदा है, लै तेनूं मैं विखावां अपने सिंह। कहिंदे ओ सामने तंबू लगा है, महाराज कलगीधर कहिंदे उत्थे दो सिंह ने, एक दा नाम बाबा वीर सिंह, एक दा नाम बाबा धीर सिंह। दो सिंह ने कहिंदे डल्लिया उच्ची खड़ के आवाज मार, कलगीधर महाराज कहिंदे आवाज मार, एक है भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने रफड़ दी परख करनी है, गोली छाती च मार के वेखणगे, ये कहीं नाल आवाज मार, ते नाल ये कहीं भी एक दी लोड़ है। डल्ले ने उवीं आवाज मारती, कहना महाराज ने रफड़ चला के वेखनी, भाई सिंह एक जना आओ। जदों आवाज मारी, एक ने दस्तार बन ली सी, एक दा लड़ हाथ च, आवाज गुरु गोबिंद सिंह दे सुनेहा जदों कन्ना च पया, उन्हें लड़ नहीं टंगिया, भज्जे आउंदे ने उस वेले एक दूजे नूं कटदे होए। डल्ला वेख के हैरान रह गया, आ की ते ना मैं तो दस्या भी गुरु गोबिंद सिंह गोली छाती च मारनगे, इन्ना मरण दा चा। दौड़े आउंदे ने कलगीधर महाराज वल, एक ने लड़ हाथ च फड़िया, एक भज्जे आउंदा, एक दूजे नूं कटदे जांदे ने। जदों महाराज कलगीधर कोल पहुंचे, गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहिंदे भाई एक दी लोड़ सी, दोवें आ गए, तुसीं बुलाया तो एक नूं सी। जिन्हें दस्तार सजा ली कहिंदा महाराज पहला मैनू आवाज सुनी, जिन्हें लड़ हाथ से कहना महाराज ताई तो लड़ नहीं लाया, मैं मैनू सुनी आवाज पहला। डल्ला वेख के हैरान, कहना मैं तो मर जीवड़ी कही जाता, इन्ना प्यार। महाराज कहते चलो जे आ गए सामने खड़ जाओ। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने रफड़ सज्जे पासे करती, भज के सज्जे पासे हो गए, महाराज ने खब्बे पासे की भज के खब्बे पासे हो गए, थले की थले बह गए। सार संग जी जदों महाराज उत्ते नू करदे ने, बाबा वीर सिंह बाबा धीर सिंह दोवें जने अड्डियां चुकदे ने, पब्बियां भार हो गए। कलगियां वालिया पब्बियां भार ता होया, गोली किते अजाई ना कढ दी, तेरी रफड़ दी गोली छाती छाती च वजनी चाहिए। बोलो श्री वाहे गुरु, छाती च गोली बचे। कलगीधर गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जो उत्ते नूं ऐ रफड़ कीती रौंद कटता, महाराज कलगीधर नूं पुछदे कहिंदे महाराज तुसीं तां बुलाया सी भी गोली मारनी, महाराज तुसीं रौंद कढ़िया क्यों नहीं, मारी क्यों नहीं। कलगीधर कहिंदे मारनी नहीं सी, मैं तां परखी करनी सी। चले गए कोल खड़ा डल्ला, डल्लिया तू की कहिंदा सी, चार पुत्र शहीद हो गए, मर जीवड़े इन्हां ने कुछ करिया नहीं, नाल लई फिरदे हो, गल्लां मारदा सी ना, तेरा तां एक भी नहीं आया। महाराज गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह, डल्लिया एवें थोड़ा मैं उत्थे चमकौर दी जंग विच दो सरां दियां नीहां च खिलार ते, इन पुत्रन के सीस परे साडे वाल ही हथ करके कहा सी महाराज ने, ओ वेख मेरे सिंघा दा प्यार डल्लिया, मैं एवें तानी वारे पुत चार डल्लिया, वेख मेरे सिंघा दा प्यार डल्लिया, एवें तानी वारे पुत चार डल्लिया, वेख मेरे सिंघा दा प्यार डल्लिया।
वेख मेरे सिंगादा प्यार डलिया एवं तानी बारे पुत चार डलिया मैं एवं तानी बारे पुत चार डलिया कलगी धर गुरु गोबिंद सिंह महाराज प्यार बहुत करते हैं जे कोई अगों करने वाला हो सत्संग जी वो बंद बंद कटवाया उन्होंने प्यार ही किया गुरमुखो आप सारे मुरीद बनने वास्ते आई रहा जिस प्यारे की याद में बैठे हाँ वो मुरीद सी सत्संग जी वो जीवन की जंग नू जित चुके सी इसे करके उन्हें शहीदी का जाम पीता धन संत जी महाराज बाबा जंग सिंह जी कैसी शहीदी उन्हां दी पैरों उत्ते कौम खलोजे तोपा अगे खड़दे वेखे सतसंग जी शहीद बाबा जंग सिंह जी सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज कृपा करन गुरु ग्रंथ साहब महाराज के चरणों च जदों आ के तुसी अरदास करदे हो उदों बेनती करिया करो महाराज साडी सिखी केसा सवासा संग नवा लो धन संत जी महाराज बाबा राम सिंह जी आ सारी उन्हां दी फलवाड़ी संत बाबा तरलोचन सिंह जी जिन्हें गुरमुख बाबा जोगा सिंह जी बाबा कश्मीर सिंह जी महापुरश बाबा गुरमीत सिंह जी करनाल वाले सतसंग जी जेड़ा महापुरश अपनी जिंदगी चा तुसी भी तो उन्हां दे प्यार च ही बजे बैठे हो जेड़ा महापुरश गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे लड़ ला जाए जिंदगी बना जाए सके माँ प्यो भैन भरा सब भुल सकते ने वो महापुरश नहीं कदे भुलिया जाता वो महापुरश नहीं कदे भुल सकता रब दे प्यारिया विछोड़ा किवें भुलीए तेरा दर छड हो की दा दर मलीए एडे जोगे नहीं सी जिड्डी तुसा खैर पाई हो मिली ओने मानियां बादशाही यारी जदों दी फकीरा तेरे नाल लाई मिली ओने मानियां बादशाही सतसंग जी ना कदे ओ मां भुल दी ते ना कदे ओ प्यो भुल दा रहमता ना पर गयो झोलिया तुसाई जी मुड़ कदे फेरा सिंगड़े तेरे जान पिछों होए असी कले रो रोए असी चले हो गए रोग ला गयो परीत माया बल्ले रो रोए असी चले हो गए प्रीत मां रो रोए असी चले हो गए जेड़ा उस मालक विच भेद हो जाता है
सिमरन करता है, भजन करता है। राजे महाराजे ऐसे महापुरुष दे दर ते आके चुकदे ने। आओ सतसंग जी, इत्थे मैं अपनी बाणी नूं विश्राम देना। बोलियो सारे नाल नाल धारना च। ए दर फकीरां दा इत्थे मंगण आउंदे राजे, ए दर फकीरां दा इत्थे मंगण आउंदे राजे, एही दर फकीरां दा इत्थे मंगण आउंदे राजे, ए दर फकीरां दा इत्थे मंगण आउंदे राजे, एह दर फकीरां दा इत्थे मंगण आउंदे राजे, दर फकीरां दा इत्थे मंगण आउंदे राजे। इस दर ते कुकर वी, 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 दर ते कुकर वी, इस दर ते कुकर वी दाते ने तख्तां नाल ने वाजे, ए दर फकीरां दा इत्थे मंगण आउंदे राजे, 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 दर फकीरां दा इत्थे मंगण आउंदे राजे। सार संगत जी, असी जिन्ना मर्जी बोली जी, साडी कौन सुनदा? साडी परिवार च नहीं कोई सुनदा, इलाके च पिंड च नहीं कोई सुनदा, पर रब दा प्यारा महापुरश जदों बोलदा है उंदी दरगाह तक सुनी जांदी। रब नूं वी मन्नणे पैंदे ने बोले बोल फकीरां दे, रब नूं वी मन्नणे पैंदे ने बोले बोल फकीरां दे, रब नूं वी मन्नणे पैंदे ने बोले बोल फकीरां दे, रब नूं वी मन्नणे पैंदे ने बोले बोल फकीरां दे, रब नूं वी मन्नणे पैंदे बोले बोल फकीरां दे, मनने पैंदे बोले बोल फकीरां दे। दत्ता आखे दूर बड़ी मंजिल फकीरां वाली, दूर बड़ी मंजिल फकीरां वाली, ओ दत्ता आखे दूर बड़ी मंजिल फकीरां वाली, ओ दत्ता आखे दूर बड़ी मंजिल फकीरां वाली, नंगे पैरी जाना पैंदा चौखट वजीरां वाली, नंगे पैरी जाना पैंदा चौखट वजीरां वाली, नंगे पैरी जाना पैंदा चौखट फकीरां वाली, नंगे पैरी जाना पैंदा चौखट फकीरां वाली, लोकां नूं की पता फकर किथे ने विराज दे, लोकां नूं की पता फकर किथे ने विराज दे, सुन जो समाध लगी विच परमात्मा दे, सुन जो समाध लगी विच परमात्मा दे, दुनिया की जाने साधु सुते ने के जाग दे, रब नूं वी मन्नणे पैंदे ने बोले बोल फकीरां, तूं वी मन्नणे पैंदे बोले बोल फकीरां, रब नूं वी मन्नणे पैंदे ने बोले बोल फकीरां। लेखा देना जी औखा हो जू।
देना औखा हो जू कदे मथाना फकीर नाल लायो लेखा देना औखा हो जू कदे मथाना फकीर नाल लायो लेखा देना औखा हो जू कदे मथाना फकीर नाल लायो लेखा देना औखा मौजा माणिए रब दया बंदिया नू रब जाणिए सदा सिजदे करदे रहो असीसा लैंदे रहो जदो गुरुद्वारे आओ गुरु घर जाओ किते भी पावे जाओ महापुरशां दे स्थानां ते अपने मालक नू खोजण दा जतन करो मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण सतसंगत जिदण मूल की पछाण हो गई जिदण उस मालक दे आनंद विच चले गए जिथे अकाल पुरख वाहिगुरु निरंकार दा वास है जिदन कि खेड बन गई अजे तो असी मंजिल तय करते फिरते हैं मैं बेनती की ना भी दादा पंद्रह पंद्रह साल हो गए आद्या पर अजे खेड नहीं बनी मन भी नहीं टिकया तो जतन करो भी मन फुरने ना लए त्रिश्ना मरन गिया मन कागर होएगा भजन करोगे बंदगी करोगे नाल नाल मालक फिर अवस्था बख्शद सतसंग जी पर हजे तो पत्थर दी इमारत है जिथे जाके बैने उनका पता ही नहीं लगता उंज नाम तो लेने चुबियां भी लाइया ये मन फिर भी गंदा है तेरे नाम दी महिमा जो रुजगार दा धंधा है वो बड़ा खारू पाया है जी कुट तवले हथा ने जिन्ना अखां नू तू दिसने वो कोई होर ही अखां ने कोई होर ही अखां ने इसे करके पड़ी सी मटके मजा जादी मटके मजा जादी सानू लोड नहीं हो सानू बड़ी औखी मिली सानू बड़ी औखी मिली फकीर सजना वे बड़ी औखी मिली सानू बड़ी औखी मिली फकीर सजना वे बड़ी औखी मिली सानू बड़ी औखी मिली फकीर सजना वे बड़ी औखी मिली साडी लगी है बियारा जिथे लगी रहन दे साडी लगी है बियारा जिथे लगी रहन दे ठगी है जे साडी यारा ठगी रहन दे ठगी है जे साडी यारा ठगी रहन दे सानू दुनिया मुसाफरां नू भुली रहन दे रख सब के तू अपनी अमीर सजना वे सानू बड़ी औखी मिली सानू बड़ी औखी मिली फकीर सजना वे बड़ी औखी मिली सानू बड़ी औखी मिली फकीर सजना वे बड़ी औखी मिली मटके मजा जादी मटके मजा जादी मटके मजा जादी तानु गुरु ग्रंथ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਸ ਬਖਸ਼ਣ, ਆਨੰਦ ਬਖਸ਼ਣ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਸੰਗਤ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸਵਾਇਮਾਨ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਬਾਬਾ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ, ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਸਜਦੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ, 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਾਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ। 16 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਲੰਬਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਾਸ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਾਹਾ ਲਓ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਥੇ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੇਅੰਤ ਰੱਬ ਰੰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਚੱਲਿਆ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਸੰਗ ਜੀ ਘਰ 'ਚੋਂ ਮਾਂ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਪਿਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾਏ, ਔਖਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੰਭਲਣਾ। ਦੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਘਾਟੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵਿਹੰਗਮ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਖੇ ਲਾਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ। ਸੰਭਲਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਓਹਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟ ਕੇ ਬਾਬਾ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਵਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਨ ਸੇਵਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਔਖਾ ਕੰਮ ਫਕੀਰੀ ਵਾਲਾ, ਸੋਲੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਦਰ ਦਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਟੁਕੜੇ ਮੰਗਣੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਿਆਂ ਆਖੇ ਤਾਂ ਵੀ ਚੰਗਿਆਂ ਕਹਿਣਾ। ਫਕੀਰ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਔਖਾ ਕੰਮ ਫਕੀਰੀ ਵਾਲਾ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ, ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲਿਹੋ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿੰਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਬਾ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲਫਜ਼ਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਤਾਂ ਲੈਣ ਕਰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਭੇਜਿਆ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਦੋ ਸਿੱਖ ਦਸਤਾਰੇ ਸਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਦੌੜੇ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਛੋਟੇ ਕਿਹਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੱਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗੋਲੀ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਵੱਡੇ ਆਖਿਆ ਬਿਰਧ ਹਾਂ ਤਾਰ ਮੈਨੂੰ, ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦਾ ਜਵਾਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਵਾਲੇ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚ ਰਹੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਰਫਲ ਅੱਗੇ ਵਾਂਗ ਪੂਤਲੀਆਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਨੱਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਨੈਣ ਪਰ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਪਿਆਰ ਡੱਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਬਦਲੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੁੱਤ ਚਾਰ ਡੱਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਬਰ ਨੂੰ ਥਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹੀ ਖਰੀਦਾਰ ਡੱਲਿਆ, ਡੱਲਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਡਿੱਗ ਕੇ ਚਰਨ ਪਕੜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਔਗਣ ਹਾਰ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਲੜ ਲੱਗਿਆਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਖਿਦਮਤਗਾਰ ਹੈ ਮੈਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਵਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਸਮੂਹ ਮੰਡਲੀ ਹੈ,
बाबा जोगा सिंह जी करनाल वाले, बाबा कश्मीर सिंह जी करनाल वाले, बाबा अमरजीत सिंह जी दाते वाले, सो नाल दी नाल बाबा गुरमीत सिंह जी करनाल वाले, सारे की तरफों अते आप रब वर्गियां संगतां की तरफों महापुरशां दा बहुत बहुत धन्यवाद है। दास हुण बेनती करेगा बाबा जोगा सिंह जी नूं, उह वी महापुरशां दा धन्यवाद करनगे। उस तों बाद अस्थान की तरफों आए हुए महापुरशां